इतिहास एक लंबा कालखंड रहा है, इसलिए इतिहास को इतिहासकारों ने कई कालों में विभाजित किया गया है, जिसे कि प्राचीन इतिहास, प्राप्त स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास एक लंबा कालखंड रहा है। पुरातात्विक साधनों के आधार पर इसका कई कालों में विभाजन किया गया है, जैसे कि प्रागितिहास, आद्यतिहास और इतिहास। प्रागितिहास का कालखंड भी काफी लंबा रहा है, इसलिए इसे भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास में मुख्यतः पाषाण पत्थर के औजार और उपकरणों का बहुलता से प्राप्त हुए, इसीलिए प्राग इतिहास को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल तीन भागों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। क्योंकि पूरा पाषाण काल का भी समय काफी कालखंडों में, जैसे कि स्त्रोतों, पुरातात्विक स्त्रोतों में जो प्राप्त स्त्रोत हुए उनके आधार पर जलवायु में परिवर्तन और उनकी सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन के कारण इस काल को भी तीन विभागों में, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल वह दौर है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास में हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिसमें कि मानव पशु योनि से मानव योनि में प्रवेश करता है। जैसे कि सब जानते हैं, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे या बंदर जैसे कोई प्राणी थे जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई। तो ये उसी काल की बात है, निम्न पूरा पाषाण काल, जब मनुष्य पूरी तरह से एक प्रकार का आदि मानव था और शिकारों पर निर्भर था, नंगा घूमता था, शिकारों पर निर्भर था, शिकारों कंदमूल, आग और बर्तन, खेती करना, खाद्यान्न पकाना, इनकी कोई भी विधि उपलब्ध इस काल में नहीं थी। इस काल में मनुष्य ऐसे ही घूमता रहता था जैसे कि आज जंगलों में जानवर घूमते रहते हैं और अपने पेट भरने के साधन ढूंढता रहता था। इसी काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये द्वितीय हिम काल का समय था। इस समय का निम्न पूरा पाषाण का समय जो है वह लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व था। इसे 25 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। वही मत था, इस समय मनुष्य ने जानवरों की खाल को पहनना और जानवरों की हड्डी से हथियार बनाना और पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था। इस समय का मानव पूर्णतः सभ्य मानव नहीं था, किंतु सभ्यता के जो अंकुरण है वह यहाँ इस काल में अंकुरित होने लग गए थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के कई अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे भारत में भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर जानवर हो या मनुष्य हो या आदि मानव हो, सभी को अपने जीवन निर्वाह के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और साथ में खाने की भी आवश्यकता होती है। तो पानी के लिए उनका जो बसेरा होता था वह नदियों के किनारे होता था और ऐसी जगह ढूंढी जाती थी जहाँ पर जंगल होते थे और जहाँ उन्हें शिकार आसानी से मिल जाते थे। और ये जगह भारत में कहीं ना कहीं हिमालय की जो निम्न श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी में बांगर और खादर जो नामक मिट्टियाँ पाई जाती, ये असल में वहाँ से निक्षेपित नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में निम्न पूरा पाषाण काल के मनुष्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, सोन घाटी, यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी है, जहाँ सोहन नदी में भी कहीं ना कहीं निम्न पूरा पाषाण काल के मनुष्यों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे कहीं ना
कभी कभी इतिहासकार इसे सोहन घाटी की संस्कृति भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत यहाँ है और यहाँ पर प्राप्त मध्य पुरापाषाण काल, इसका कालखंड 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व माना गया है। इसमें जो औजार प्राप्त हुए और जो भी अस्थि पंजर प्राप्त, जो भी साधन प्राप्त हुए, उनके आधार पर कार्बन सी विधि, सी प्लस प्लस विधि के आधार मध्य पुरापाषाण में आदि मानव रहते हुए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कई औजारों का निर्माण भी किया, जैसे खुरचनी है, हैंड हेल्स है, हैंड फ्लेक्स है, आदि औजारों का भी उपयोग करने लगा, जिनकी उपलब्धता भारत में, पूरे भारत में पाई जाती है, और जिन जो कि यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले औजारों से साम्य रखते हैं। अर्थात अफ्रीका और यूरोप में जो मानव सभ्यताएं उपजी थी, कहीं ना कहीं उस वो भारत के साथ ही दिखाई नजर आती है, दिखाई देती है। इस युग में निम्न पुरापाषाण से मनुष्य मध्य पुरापाषाण में आया। इस युग में शिकार के साथ साथ व्यक्ति कंदमूल और खेती की ओर भी आगे बढ़ने लगा, किंतु पुरापाषाण काल में द्वितीय हिम युग खत्म होने लगा था और अपेक्षाकृत जलवायु गर्म होने लगी थी, जिससे मनुष्य ने अपने उपयोग की सामग्रियां बनाना चालू कर दिया, हथियार भी बनाना चालू कर दिया, और कहीं ना कहीं यही वो समय था जिससे कि उसने कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल में प्रवेश किया। और अपने उपयोग की चीजों को साथ में रखना, झुंडों में रहना, समूह एक साथ में समूह रहना और शिकार के साधन जुटाना इस काल में प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल, इस समय भी मनुष्य अपने शिकार के साधनों को जुटाता रहा और अपने अपनी पारंपरिक जो शिकार चलती थी, शिकार करता रहा, लेकिन जो हथियार बने, औजार, औजार अपेक्षाकृत छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है, 4000 ईसा पूर्व ये जो समय था, इसे मध्य पाषाण काल का समय कहा जाता है। इस समय के शिला श्रेय हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए जाते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के समय के हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्राचीन, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य रखते हैं। पशुपालन पशुपालन के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल का अंतिम काल है। इसके अंतर्गत इसका कालखंड 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय मानव आदिम जीवन से बाहर निकलकर एक सभ्य मानव के रूप में उभरने लगा था, खेती करने लगा था, पशुपालन करने लगा था और स्थायी रूप से निवास घर बनाकर रहने लगा था। सरकंडे और मिट्टी से निर्मित आयताकार और गोलाकार घर बनाने रहने लगा। मनुष्य शिकार करने के लिए पाषाण के पालिशदार हथियारों का या औजारों का प्रयोग करने लगा था। पालिशदार का प्रयोग बहुत सारी जगहों से, कुदाल, खुरची, आदि ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिससे यह आकलन लगाना आसान है कि उस समय खेती की जाती थी और पशुपालन में गाय, बैल आदि, भेड़ आदि। इस समय कृषि की जाती थी। कृषि के अंतर गेहूं, जो और कहीं से और शाक से भी प्राप्त हुए हैं। इस समय का मानव कश्मीर से प्राप्त एक समाधि के अंदर, बुर्ज होम से प्राप्त एक समाधि में अपने मालिक के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है, ऐसा भी यहाँ से प्राप्त होता है।
समसमानि। कुत्ते को भी साथ दफनाया गया है, ऐसा केवल बुर्ज होम में ही पाया गया है, बाकी ऐसा पूरे ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन, पशुपालन में गाय, बैल, भेड़ और बकरी आदि का पशुपालन भी करते थे। मेहरगढ़ के लोग नवपाषाण, मेहरगढ़ के लोग नवपाषाण काल में गेहूं, जो और रुई, रुई भी उगाते थे, उगाते थे। जबकि जबकि इलाहाबाद के पास के नवपाषाण कालीन स्थानों से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, अर्थात उस समय पर जगह जगह पर गेहूं, जौ, रुई और खजूर और साथ में चावल के भी साक्ष्य कहीं कहीं से प्राप्त हुए, अर्थात इसका अर्थ है कि उस समय पर खेती भी करने लोग लग गए थे। इस समय के लोग चाक, चाक पर मिट्टी से बर्तन बनाने लग गए थे, अर्थात इस समय पर बर्तन बनाने का ज्ञान भी लोगों को हो गया था। बर्तन बनाने, चाक से बर्तन बनाने का ज्ञान भी लोगों को इस समय हो। इस समय पत्थर से प्राप्त कुल्हाड़ियां, खुरचने, कुदाल आदि चीजें प्राप्त हुई है, नुकीले औजार प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग खेती के साथ साथ शिकार में भी किया जाता था। खेती के साथ में शिकार में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इस समय का मानव मुख्यतः गांव बनाकर गांवों में रहता था, गांव में निवास करता था, अर्थात अभी शहरों का प्रादुर्भाव नहीं उत्पन्न हुआ था।